नमस्कार किसान भाइयों, गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुष्कर। दोस्तों, ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ धनिया की प्रमुख किस्मों के बारे में, जिनका उत्पादन काफ़ी अधिक है। कौन कौन सी किस्में बताऊँगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप तक सबसे पहले। तो चलिए आपको बताते हैं धनिया की प्रमुख किस्मों के बारे में। आम तौर पे हर घर में धनिया का उपयोग होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कोरिएंडम सैटिवम है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से हरी पत्तियों के लिए होती है। इसकी खेती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान, मध्य प्रदेश में की जाती है। आज हम आपको धनिया की उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी उपजाऊ होती हैं। तो सबसे पहले जो किस्म है, स्वाति किस्म। धनिया की इस किस्म को APAU गुंटूर द्वारा विकसित किया गया है। इस किस्म के फल पककर तैयार होने में 80 से 90 दिन में लेते हैं। इस किस्म से 885 किग्रा प्रति हेक्टेयर तक उपज मिलती है। अगली जो किस्म है, राजेंद्र स्वाति किस्म। धनिया की यह किस्म 110 दिन में पककर तैयार होती है। धनिया की यह किस्म RAU द्वारा विकसित होती है। इससे लगभग 1200 से 1400 प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। अगली जो किस्म है, गुजरात कोरिनेडर फर्स्ट। इस किस्म के बीज मोटे और हरे रंग के होते हैं। इसके पकने की अवधि 112 दिन की होती है। इससे 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। धनिया की जो अगली किस्म है, गुजरात धनिया 2। इस किस्म के पौधे अधिक शाखाएं पाई जाती हैं, तो वहीं पत्तियां बड़ी और छतरी के आकार में होती हैं। इस किस्म के पौधे को पककर तैयार होने में 110 से 115 दिन का समय लगता है। इस किस्म की उपज 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक होती है। अगली जो किस्म है, साधना किस्म। धनिया की यह किस्म 95 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म की उपज 1000 किलो प्रति हेक्टेयर तक होती है। धनिया की ये किस्मों की बुआई करके आप अच्छी खासी उपज प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आप तक सबसे पहले। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।